गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस देश का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे व्यापार को मार्केट प्रदान करता है। गेम ने अखिल भारतीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2021-22 में एक ही वित्तीय वर्ष में जीएम ने खरीद मूल्य के 1,00,000 करोड़ रुपए के मील के पत्थर को पार कर लिया है। कुल मिलाकर जीईएम ने 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 1 करोड़ से अधिक लेन देन की सुविधा प्रदान की है। यह पूरे देश में खरीदारों और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों के समर्थन से ही संभव हुआ है। जीएम के खरीदार आधार में केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग, सहकारी समितियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है। जीईएम के विक्रेता की विषम प्रकृति स्पष्ट रूप से समावेशिता के संस्थापक स्तंभ को दर्शाती है। बड़ी कंपनियों और कॉन्ग्लोमरेट से शुरू होकर विक्रेता आधार में देश भर से महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और एमएसएमई विक्रेता शामिल है। इसके अलावा एमएसएमईएस और एसएचजीएस के लिए एक सहज अनबोर्डिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए एसईएम पोर्टल पर विशेष प्रावधान भी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि 62,000 पंजीकृत सरकारी खरीदार और 50,90,000 विक्रेता और सर्विस रोवर जीएम संचालन के आकार और पैमाने के बारे में बात करते हैं। अपनी स्थापना के बाद से जीएम लगातार नए उत्पाद और सेवा श्रेणियों को जोड़ने के साथ लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में जीएम पर लगभग 300 सेवा श्रेणियां और 10,000 से ज्यादा अधिक उत्पाद श्रेणियां उपलब्ध है। इन श्रेणियों में ऑडॉक्ट और सेवा प्रसाद के लगभग 44,00,000 कैटलॉग है। इसके अलावा जीएम एक उभरता हुआ मंच और पोर्टल में नई सुविधाओं और कार्यात्मकताओं को जोड़ने के लिए अथक रूप से काम करता है। इस सिद्धांत के अनुरूप पिछले 24 महीनों में लगभग 2,000 लघु और 450 से ज्यादा प्रमुख कार्यात्मकताओं को पेश किया गया है। तो हमारा, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से सारी सेंट्रल गवर्नमेंट बाइंग मिनिस्ट्रीज जितनी है और उनकी जितनी सीपीएससीज हैं सारे जेम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट बायर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जेम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। सेलर्स के लिए हम सारे इनिशिएटिव, जैसे हम बताए थे कि कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ इंटीग्रेशन किया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ किया, ये भी एक इनिशिएटिव है उनसे इंटरेक्ट करने का, उनको उनकी प्रॉब्लम समझने का और उनको हेल्प करने का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बहुत सारे फोरम्स होते हैं, सीपीएससीज का वेंडर बेस होता है, अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ हमारा बातचीत चलता रहता है। तो बहुत सारी ऑन ग्राउंड एजेंसीज हैं जो सेलर्स को ऑनबोर्ड करती हैं। बायर्स भी जब जेम पे आ जाते हैं अपना बिड फ्लोट करते हैं तो उनको बताते हैं कि हमने ये जेम पे बिड फ्लोट किया है, तो सेलर्स को रजिस्टर करवा देते हैं। प्राइमरीली ये है कि सेलर्स के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, सो दैट इंश्योर्स कि आपको अगर बिड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता। तो ये कांस्टेंट एफर्ट रहेगा। बहुत सारे सेलर्स हैं, एमएससी के साथ हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्टली है, तो एमएससी जब भी कोई अपना एप्लीकेशन डालता है कि मैं एक एमएससी हूँ, उसका एक ऑटो ऑप्शन आता है कि आप जेम पे रजिस्टर करना चाहते हैं कि नहीं, आप उसको टिक करेंगे तो आप जेम पे प्री रजिस्टर हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी बाकी डिटेल्स भेजिए। तो बहुत सारे टेक्निकल इंटीग्रेशन ऑलरेडी है जिससे हम सेलर्स को भी रजिस्टर करें क्विकली और बायर्स, जैसे मैंने बताया स्टेट बायर्स को एक एफर्ट है उनको लेके आने का, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।